हे गाइस, मैं शुभम साहू। यार आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नैनीताल बैंक में नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरें। हम किसी को नॉमिनी क्यों बनाते हैं बैंक में, ये अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी कि नॉमिनेशन क्या होता है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि नॉमिनी किसी को बनाना सही है या गलत है, या हमें बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो वीडियो में आपको मैंने डिटेल में बताया कि क्या चीज नॉमिनी होता है। तो इस वीडियो में आपको नैनीताल बैंक का नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरें बताने वाला, अगर किसी और बैंक में आपको भरना है तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आपको ये फॉर्म ले लेना है। ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्म आपको लेना है फॉर्म DA1, आपको फॉर्म DA2 या DA3 नहीं लेना है। नया रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म DA1 लिया जाता है। तो ये नैनीताल बैंक का है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपके अपने ब्रांच का नाम लिख देना है, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन देख सकते हैं IV। IV का मतलब यहाँ पे है, अगर आपका सिंगल अकाउंट है सिंपली अपना यहाँ पे नाम अपना लिख देंगे, पूरा नाम। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अपना पूरा एड्रेस भर देना है। अब ये ध्यान देना है, जिसका अकाउंट है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। अब अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको यहाँ पे सिंपली दोनों का नाम लिख देना है। जैसे दो लोग का ज्वाइंट अकाउंट है तो पहले अपना मेन वाले लिख दीजिए, फिर दूसरे अकाउंट होल्डर का नाम लिख दीजिए, और फिर दोनों लोग अपना एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पे। तो आपको पूरा यहाँ पे अपना नेम और एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर आता है जो कि है नॉमिनी। यहाँ पे आपको सिंपली अपनी ब्रांच का नाम लिख देना है, जो आपने यहाँ पे ऊपर लिखा है ब्रांच का नेम वही सेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है नेचर ऑफ डिपॉजिट। इसका मतलब होता है कि आपका अकाउंट का टाइप क्या है। आपका अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख देंगे, करेंट अकाउंट है तो आपको करेंट अकाउंट लिख देना है। ज्यादातर मामलों में लोगों का सेविंग अकाउंट ही होगा। अगला यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूशनिंग नंबर, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। अगला यहाँ पे आता है आपका एडिशनल डिटेल। अगर कुछ आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको नेम ऑफ नॉमिनी, यहाँ पे नॉमिनी का नेम लिख देना है जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। अगर ये नहीं पता नॉमिनी क्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक डाली है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नॉमिनी क्या होता है। तो जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी एज डाल देनी है, 18 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का, जो भी यहाँ पे नंबर में लिख देना है। जैसे वो 18 साल का है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 18 लिख देंगे। उसके बाद उसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, पूरी पहले दिनांक, फिर महीना, फिर साल के हिसाब से आपको यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो सिंपली यहाँ पे एड्रेस ऑफ नॉमिनी, तो यहाँ पे उसका यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, जो भी उसका एड्रेस है। तो पूरा एड्रेस आप वही डॉक्यूमेंट पे देख के डाल दीजिएगा। अगला यहाँ पे आता है रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर। तो यहाँ पे जो भी बैंक का अकाउंट होल्डर है उसके साथ उसका क्या रिश्ता है, अगर है तो। जरूरी नहीं है कि आपको उसके साथ कोई रिश्ता ही हो। अगर कोई रिश्ता आपका है, जैसे कि मैं अपने पापा को, मेरा अकाउंट है समझ लीजिए, मैं अपने पापा को नॉमिनी बना रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा फादर, हिंदी में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे पिता लिखूंगा, भाई को बना रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपली ब्रदर लिखूंगा, हिंदी में लिख रहा हूँ तो भाई लिख दूंगा। तो जो भी रिश्ता है उसके साथ लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब अगला यहाँ पे आता है इफ नॉमिनी इज माइनर हिज हर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे अगर नॉमिनी जो इसको भी बना रहे हैं उसकी आयु यानी कि वो 18 साल से कम है तो उसकी यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिर से लिखनी होगी। अब 18 से अगर ज़्यादा है, 18 है, 18 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये सेकंड वाला कॉलम आता है, इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, अगर जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं वो 18 साल से कम है तो आपको किसी को अपॉइंट करना होगा। यानी कि नॉमिनेट बना रहे हैं उसके साथ ही आपको किसी और को भी अपॉइंट करना होगा। तो आप जिसको भी अपॉइंट कर रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी लेता है, जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं, क्योंकि वो तो 18 से कम है तो वो तो जाके पैसे ले नहीं सकता बैंक से। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं उसका नाम लिख देना जिसको भी अपॉइंट आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, एड्रेस लिखने के बाद उसका यहाँ पे एज लिख देंगे कि वो, और वो 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप इसको भरना नहीं चाहते हैं, ये जो इतना सेकंड कॉलम है इसको आप भरना नहीं चाहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे उसका नॉमिनी बनाना है जिसकी एज यहाँ पे 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी उसकी नहीं लिखनी पड़ेगी, और ये सेकंड वाला जो नंबर है इसको भी आपको फिल नहीं करना होगा, जिसको आप 18 साल से ऊपर अगर नॉमिनी बना रहे हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस देख सकते हैं, यहाँ पे अपना स्थान लिख देना, जो भी आपका जगह एड्रेस अपना लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिख देना है जिस दिन भी आप इस फॉर्म को फिल करके बैंक में सबमिट कर रहे हैं।
यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं। अगर आप थंब यानी कि अंगूठा लगाते हैं तो आपको अंगूठा लगा देना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे सिग्नेचर कर रहे हैं तो एक विटनेस की जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है कि आपको एक भी विटनेस की जरूरत ना पड़ती हो। विटनेस किसे कहते हैं? साक्षी, गवाह, जो लोग गवाही देंगे कि आप सही में इंसान हैं जो कि आप किसी को नॉमिनी बना रहे हैं। तो अगर इसमें यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, इसीलिए हो सकता है कि आपको एक लोग की जरूरत पड़े, क्योंकि मैंने और काफी सारे बैंकों की वीडियो बनाई है तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि अगर आप अंगूठा लगा रहे हैं तो दो यहाँ पे गवाहों की जरूरत पड़ती है। इसमें नहीं लिखा है तो तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अंगूठा लगा रहे हैं यहाँ पे, जिसका भी अकाउंट है उसको यहाँ पे साइन या अंगूठा लगाना है, तो आपको यहाँ पे विटनेस की जरूरत पड़ेगी। विटनेस मतलब गवाह। तो यहाँ पे सिंपली उसका यहाँ पे नेम लिखना है, फिर उसका यहाँ पे साइन होगा, साइन के बाद उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। वैसे ही अगर दूसरा गवाह है तो उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे उसका एड्रेस लिख सिग्नेचर सॉरी और यहाँ पे उसका एड्रेस पूरा लिख देंगे। तो इतना आपको यहाँ पे कर लेना है। अगला यहाँ पे ये फॉर्म DA-2 है, ये कैंसिलेशन के लिए होता है, यानी कि आपका अगर नॉमिनी पहले से आपने किसी को ऐड किया हुआ है, आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप उसको हटा सकते हैं। फॉर्म DA-3 होता है उसके लिए जब आपको चेंज करना होता है, यानी किसी को नॉमिनी बनाए हुए हैं लेकिन आपको बदलना है नॉमिनी, तो वो चीज होती है। अब ज्वाइंट अकाउंट हो या सिंगल अकाउंट है, आप एक ही पर्सन को अपना एक अकाउंट में नॉमिनी बना सकते हैं। तो वैसे तो मैंने सारी चीजें बता दी, तब भी कोई शंका सुझाव नीचे जाके कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें।